नमस्ते बच्चों, अपर्णा के खिलौनों में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा और मेरे खिलौने का ये क्या? ये एक डब्बा और ये एक बॉल। तो आप जान गए ना कि आज का हमारा गेम क्या है। इसमें हमको दो चीज चाहिए, एक ये डब्बे, कोई भी तरह के डब्बे हो सकते हैं, और दूसरा ये बॉल। अब बॉल आप चाहे तो छोटी ले लो, चाहे बड़ी ले लो। अगर आपकी बॉल छोटी वाली है, माने पिंग पोंग बॉल, तो आप इसकी जगह ग्लास भी ले सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है ना, अपर्णा हमेशा बर्तनों से ज़्यादा खिलाने लगी है आजकल। तो और अगर बड़ी बॉल है ये, और अगर और बड़ी बॉल है तो भगोना मत लेना, डांट पड़ेगी। तो समझ गए बच्चों, रेडी 1 2 स्टार्ट। ये पर अब अगर आप सोचो कि इतना बोरिंग गेम है, क्योंकि इतने धीमे, तो हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, समझे? अब डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट। अरे भाई, स्टॉप। अब एक बात और समझ लो, ये गेम आज मैं जो लेके आई हूँ, ये दो लोगों का है। ध्यान दिया आपने? क्योंकि एक कोई बॉल फेंकेगा तब तो दूसरा बॉल पकड़ेगा। आप हमेशा हाथ से कैच करते हो, और इसमें बस ये करना है कि आपको इन डब्बों से पकड़ना है। समझ गए बच्चों? तो आपको ये गेम दो लोगों के साथ खेलना है। आप चाहे तो स्लो वाला खेल सकते हो, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा सकते हो, पर अगर आप लोग दोनों तरफ बॉल रख के एक हाथ से थ्रो और एक हाथ से कैच का कर सकते हो, तो और मजा आ जाएगा। दिखाओ कैसे करना है। पहले तो समझो कि स्लो वाला, ठीक है? सबसे पहले स्लो, फिर फास्ट, और अब देखो ध्यान से, एक हाथ से थ्रो और एक हाथ से कैच। समझ गए ना? ये अभी आपने मेरा वाला पार्ट देखा है, दूसरे वाले का नहीं ना। अब आपको मैं दूसरे बच्चे का पार्ट दिखाती हूँ। हाँ तो बच्चों, अब हम समझेंगे दूसरे बच्चे का गेम। एक हमने समझा जो कैच करता है, पकड़ता है, दूसरा उसको थ्रो करता है। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, एक खाली कैसा भी कार्टन। ओके, कार्टन के अंदर बॉल, ये हमारी मेन वो है ना, और एक डब्बा हम और ले रहे हैं। अब आप पूछोगे हम एक डब्बा और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इससे बना रहे हैं एक फ्लाइट, देख रहे हो? इसके लिए हमने इसको पूरा बंद नहीं किया, ये थोड़ा सा ऐसे खुला है। इसको इस वाले पे हम धीरे से ऐसे टिकाएंगे। अब आप देखो ये बन गई स्लाइड। अब जब हम इस पे बॉल, आप समझे, जब हम इस पे बॉल टिप करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे लुढ़केगी। जब हम जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे डालेंगे तो जल्दी जल्दी लुढ़केगी, पर जब हम धीरे से डालेंगे तो एक धीरे से ऐसे लुढ़क जाएगी। अब आप इसमें ये समझो कि अगर आप इसके बगैर करते हो तो क्या अंतर आता है। तो ये अंतर आता है कि बॉल जंप कर सकती है, कई बॉल्स बहुत ज़्यादा जंप करती हैं, कई बॉल नहीं करती हैं। पर हमको कैसा चाहिए, जो कारपेट पे भी स्मूथली बॉल ढुड़क सके। समझ गए बच्चों? तो इसीलिए हमने ये लिया है। पर हो सकता है आपने वो गेम तो खेला होगा ना, जिसमें एक बॉक्स रख के दूर से खड़े होके ऐसे डालते हैं और बॉक्स के अंदर बॉल जाती है, वो तो आप खेलते हो ना, उसी का भाई है ये वाला गेम भी। तो उसमें क्या है, आप खड़े होके डालते, इसमें आप बैठ के खेलोगे। एसी में भी खेल सकते हो, अगर आप इतनी गर्मी में बाहर नहीं जा सकते तो, और कारपेट भी गंदा नहीं होगा, और बाद में बॉल इसी के अंदर बंद करके रख दोगे तो मम्मी भी गुस्सा नहीं होगी कि सारे घर में बॉल क्यों फेंकी है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही काफी। ओके, भूलना नहीं, हर बुधवार वेडनेसडे अपर्णा के खिलौने, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।